अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोला मनपा में कांग्रेस के घट नेता बने डॉक्टर जिशान हुसैन हाल ही में कांग्रेस की एक बैठक में विरोधी पक्ष नेता की पद डॉक्टर जिशान हुसैन को सौंपी गई है, जिसके मद्देनजर आज 16 फरवरी बुधवार को डॉक्टर जिशान हुसैन ने अपना पदभार संभाला है। अकोला महानगर पालिका में कांग्रेस के घट नेता पद पर पार्षद डॉक्टर जिशान हुसैन के नाम का पंजीयन संभागीय आयुक्त कार्यालय में किया गया है। संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा 14 फरवरी को मनपा अकोला को पत्र देकर ये जानकारी दी गई। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर 9 फरवरी को स्थानीय स्वराज्य भवन में आयोजित कांग्रेस के पार्षदों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव देवानंद पवार के निर्देश पर अकोला महानगर पालिका के कांग्रेस के घट नेता पद पर पार्षद डॉक्टर जिशान हुसैन का सर्वसम्मानित से चयन किया गया था, जिसके बाद 10 फरवरी को यह पत्र संभागीय आयुक्त कार्यालय को भी भेजा गया था। संभागीय आयुक्त कार्यालय में अकोला मनपा में कांग्रेस के घट नेता पद पर डॉक्टर जिशान हुसैन का पंजीयन किया गया, जिसके बाद 14 फरवरी को पार्षद डॉक्टर जिशान हुसैन को संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह के हस्ताक्षर का पत्र प्राप्त हुआ है। उसी के मद्देनजर आज बुधवार को डॉक्टर जिशान हुसैन ने विरोधी पक्ष नेता का पदभार संभाला है। इस समय कांग्रेस के सभी नगर सेवक उपस्थित थे। प्रकृति का नियम है, माननीय प्रांत अध्यक्ष नानाभाई पटेल के आदेश पर ये ऐसा फैसला हुआ कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस किस तरह से ज़्यादा सीटें ला सके, किस तरह से सत्ता ला सके, इस सोच और इस नीति के तहत इस बदलाव का निर्णय हुआ था। हमारा ऐसा मानना है कि एकजुट होकर कांग्रेस आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी, और पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो शासन यहाँ पे था उसमें जनता ये जो अन्याय हुआ उस अन्याय किए हुए सारे मुद्दों को लेकर लड़के शासन का पूरा बदलाव करते हुए हम यहाँ पे आने वाले महानगर पालिका चुनाव में सत्ता काबिज करेंगे।